तो क्या आपको पता है भारत का एक ऐसा मंदिर जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे धनाढ्य मंदिर है, जिसकी संपत्ति लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। भारत का एक ऐसा मंदिर जहां हिंदू धर्म के अलावा और किसी भी धर्म के लोगों का जाना मना है। एक ऐसा मंदिर जहां विशेष पोशाक पहन करके ही आप दर्शन करने जा सकते हैं। जी हाँ, हम इसी विशेष मंदिर के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम दर्शन करने वाले हैं अभी कुछ सालों से काफ़ी चर्चा में रहे भारत का भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत का केरल राज्य, जहां अपने सुंदर समुद्री तटों और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वहीं यहां का पद्मनाभ स्वामी मंदिर करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। दोस्तों, बात करें मंदिर के इतिहास के बारे में, तो इस मंदिर की रचना कब और किसने की, यह अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहाँ विराजमान पद्मनाभ स्वामी जी की मूर्ति को किसने स्थापित किया, यह भी अभी पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाया है। कुछ लेखक और इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर की स्थापना कलयुग दौर के शुरू होने के पहले दिन की गई थी। यह आज से 5000 साल पहले की घटना है। सन 1733 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। इस मंदिर के पुनर्निर्माण में अनेक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम इसकी भव्यता को आधार बनाया गया। मंदिर को विशाल रूप में निर्मित किया गया, जिसमें उसका शिल्प सौंदर्य सभी को प्रभावित करता है। मंदिर के निर्माण में द्रविड़ एवं केरल शैली का मिला जुला प्रयोग देखा जा सकता है। मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिन्हें देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम का नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है, और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। पद्मनाभ मंदिर का संचालन और देखरेख त्रावणकोर के राज परिवार द्वारा की जाती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। पोशाक पहनने का भी सख्त नियम है, जिसका पालन मंदिर में प्रवेश करते समय करना होता है। पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना होता है। आजकल मंदिर के अधिकारी भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैंट या चूड़ीदार के ऊपर धोती पहनने की अनुमति दे रहे हैं। दोस्तों, पद्मनाभ मंदिर की प्रसिद्धि यहाँ पर विराजमान भगवान विष्णु से कहीं ज़्यादा मंदिर के अपार संपत्ति के कारण है। यह मंदिर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय तब बना जब सन 2011 में भारत के गुप्तचर विभाग यानी IB के पूर्व IPS TP सुंदर राजन ने मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान इस मामले में दखल दिया और एक टीम गठित की। इस टीम ने मंदिर के नीचे बने तहखानों को खोलना शुरू किया। जब उन्होंने दरवाजों के अंदर जाकर के देखा तो उनकी आंखें चमक से चौंधिया गईं, क्योंकि वहां अपार खजाना छिपा हुआ था। असंख्य सोने के सिक्के थे जो हजारों साल पुराने थे। एक सोने का हार भी मिला जो 9 फीट लंबा था और उसका भार 2.5 किलो था। एक बोरी मिली जो हीरो से भरी हुई थी और उसमें हजारों की संख्या में जवाहरात और गहने भी थे, जो बहुत कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। एक चैम्बर में एक सोने का मुकुट और बेस कीमती पत्थर मिले। जैसा कि
75 वर्षीय केरला हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सीएम राजन जी बताते हैं, जो उस समय दरवाजे को खोलने वाली टीम के सदस्य थे। इस चैम्बर का नाम कलारा ए रखा गया है। ये बताते हैं, सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, वहाँ कई टोकरियाँ थीं, मिट्टी से बने टोकरे थे, तांबे से बने मटके थे, जिसके अंदर यह ढेर सारी चीज़ें भरी हुई थी। जिस दिन पहले वाल्ट को खोला गया, उस दिन टीम दूसरे वाल्ट को भी खोलने जा रही थी, जिसका नाम कालरा बी है, पर वहाँ पर लगा दरवाज़ा आम दरवाज़ा नहीं था। माना जाता है इस कमरे में बाकी सभी कमरों से ज़्यादा खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वह कितना है यह आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है, क्योंकि इसे अभी तक खोला नहीं जा सका है। मंदिर की देखरेख कर रहे राज परिवार और वहां के लोगों की मान्यता है कि इस कमरे को कभी भी नहीं खोला जाना चाहिए। ऐसा करना विश्वास और परंपरा के खिलाफ होगा और इससे तबाही भी आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कहा था कि वाल्ट बी को ना खोला जाए। इस दरवाजे को पहले भी जिन लोगों ने खोलने का प्रयास किया, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। इस दरवाजे को जैसे ही खोलने का प्रयास किया जाता है, वहां हजारों की संख्या में सांप आक्रमण कर देते हैं। इस दरवाजे के सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि इस दरवाजे में ना कोई कुंडी है, ना ही कोई ताला है। दरअसल यह दरवाज़ा लोहे का बना हुआ है और इस दरवाजे पर दो सांप की आकृति बनी हुई है, जो इस दरवाजे की रक्षा करते हुए दिखते हैं। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नाक बंधम या नाक पासम मंत्रों के प्रयोग से बांधा गया है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि टीपी सुंदर राजन, जिनकी याचिका के कारण दरवाज़ा खोलने का फैसला हुआ था, उनकी एकाएक मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई थी। इस नागबंधम मंत्र से बंधे हुए दरवाजे को अगर खोलना है तो सिर्फ और सिर्फ गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकता है। अगर मंत्र में कोई भी गलती हुई तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और यही वजह है कि इसे खोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सका। इस कार्य को कोई ऐसा योगी कर सकता है जो बहुत ही सिद्ध महापुरुष हो, वही इस दरवाजे को खोल सकता है। खैर, अब महापुरुष कब आएंगे और कब यह दरवाज़ा खुलेगा, यह तो पता नहीं। इसका तो अभी हम लोगों को इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अभी तक जो 6 दरवाजे खुले हैं, उनमें से उस समय करीब 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पर मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में। मंदिर में श्री पद्मनाभ स्वामी के जन्मदिन को थिरुओनम के त्यौहार के रूप में बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दौरान कई पीढ़ियों पहले पूर्वजों द्वारा तय किए गए पारंपरिक आरती और रीति रिवाजों के साथ पूजा की जाती है। श्री पद्मनाभ मंदिर में थूलम और मीनम के त्यौहार को साल में 2 बार मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह एक 10 दिवसीय त्यौहार है, जिसे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। इस उत्सव पर परंपरागत रूप से मूर्तियों को ले जाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। लक्षदीपम यहाँ मनाया जाने वाला एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कई हजार दीपों को जला करके मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप पद्मनाभ मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो बता दें, यहाँ की यात्रा के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि सर्दियों का मौसम बहुत सुहावना होता है, जो पूरे साल में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ ठंडी का मौसम में ही आना अच्छा रहता है। पद्मनाभ मंदिर भारत के प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो बता दें कि तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के करीब 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर की हवाई मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए त्रिवेंद्रम का अपना हवाई अड्डा है, जो दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अड्डों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप मंदिर तक पहुंचने के लिए हवाई अड्डों से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोग भी दुनिया के सबसे धनाढ्य मंदिर के दर्शन की योजना जरूर बनाएं। ठीक है दोस्तों,
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमो नारायण।